advanced degree courses, Bachelor's of Mass Communication, Master's of Mass Communication, Postgraduate Diploma in Mass Communication, Diploma and Certificate courses, Video Editing and Sound Recording, Camera and Lighting Techniques, TV Production and Direction. नमस्कार, प्रॉपर्टी मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। प्रॉपर्टी मंत्रा आपको आपकी जमीन जायदाद से संबंधित जानकारी देता है, साथ ही हमारी ये कोशिश भी रहती है कि आपकी जमीन जायदाद से जुड़ी समस्या का हम अपने यहां मौजूद एक्सपर्ट पैनल के माध्यम से हल निकाल पाए। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें मेल कर सकते हैं या फिर फोन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ताकि हम आपकी आवाज बन सकें और आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंच पाए। यह हमारी कोशिश है कि हम आपकी आवाज बने और आपकी आवाज पुरजोर से उठाएं। इसी फेरिस्त में हम लगातार आपको आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज के कार्यक्रम में भी हम ऐसे ही कुछ खास मुद्दों को उठाएंगे। देश के निवेशक क्यों प्रॉपर्टी में निवेश करने से डर रहे हैं? क्यों उन्हें समय पर अपने मकान और प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है? आखिर क्यों डेवलपर प्रोजेक्ट को डिले कर देते हैं? ऐसे ही तमाम मुद्दों पर साधा न्यूज के संवाददाता रविंद्र कुमार गौतम ने बात की हैबिटेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एमडी विपिन साहनी से। आइए देखते हैं इस मामले पर उनका क्या कहना है। और साधा न्यूज के प्रॉपर्टी मंत्री पर आज हमारे साथ हैं हैबिटेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एमडी श्री विपिन साहनी जी। विपिन साहनी जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि एज एन इन्वेस्टर, जो निवेशक है, वो पंच तत्व जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर घर बनाना चाहे तो उस प्रोजेक्ट की यूएसपी क्या है, वो किस तरीके से अपने घर का सपना आपके प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगा करके पूरा कर सकता है? ये पंच तत्व प्रोजेक्ट जो हमारा है ये 11 एकड़ में है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। 130 मीटर वाइड रोड पर है और इसमें हम जो फ्लैट्स बना रहे हैं इसमें सिर्फ हमने 22% ग्राउंड कवरेज लिया है, जो हमारा यूएसपी है। जनरली प्रोजेक्ट्स में लोग 30-35% तक ग्राउंड कवरेज लेते हैं, जिससे टावर के अगेंस्ट में टावर खड़े हो जाते हैं और उतना स्पेस नहीं मिल पाता जिससे फ्री एयर फ्लो और धूप और सब चीज मिल सके, जो बहुत जरूरी है किसी भी निवेशक के लिए। सानी साहब, जैसे आपने भी बताया कि आप लगभग 22% जो एरिया है, टोटल एरिया जो है वो कवर कर रहे हैं, आज के दौर में जो ज्यादातर जो बिल्डर हैं वो ज्यादा से मैक्सिमम जो एरिया है वो कवर करने की कोशिश करते हैं, तो लगता नहीं है कहीं आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी आज के समय के हिसाब से? देखिए, कॉस्ट तो जरूर बढ़ जाएगी, बिकॉज हायर फ्लोर्स पे जब हम जाते हैं तो हमारे को फायर फाइटिंग वगैरह के अरेंजमेंट ज्यादा करना पड़ता है, जिससे थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है। पर सिर्फ वही क्राइटेरिया नहीं, अगर 50 रुपीज कॉस्ट बढ़ भी जाती है पर जो प्रोजेक्ट हम किसी को देते हैं उसमें कैसी नीयत से और कैसी इंटेंशन से देते हैं ये बहुत जरूरी बात है। अगर कोई रहने वाला उसमें बाद में 20-50 साल रहकर अच्छे से एंजॉय करे तो मैं समझता हूँ अगर हमारी कॉस्ट 50 रुपये बढ़ भी जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी साहब, एक ना आम सा ट्रेंड चल पड़ा है, अगर रियलिटी के अगर बाजार की बात करें, रियलिटी सेक्टर की अगर बात करें, सबसे पहले तो ये कि इस सेक्टर में किसी तरह की कोई रेगुलराइजेशंस नहीं है, उसमें पूरा जो सेक्टर है ये अनसर्टिनिटी का सेक्टर बनता जा रहा है अगर आज की बात करें। ऐसे में निवेशक रियलिटी जो प्राइवेट जो सेक्टर है उस पर विश्वास कैसे करें? देखिए, मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ, मैं एक चार्टर्ड हूँ, सीए हूँ मैं, और हम अपने काम में जो भी अब तक ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिससे पहले भी हमने जो प्रोजेक्ट किया, सब में एक प्रोफेशनल टच जरूर दे रहे हैं। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें रेगुलेटरी बॉडीज नहीं हैं जो रेगुलेटरी चेक कर सकें, लेकिन हमने अपने हिसाब से अपने नॉर्म्स फिक्स करे हैं और उन नॉर्म्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। सानी साहब, एक बात और आती है, जब कोई डेवलपर या कोई जो बिल्डर है जिस दिन अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और जिस दिन वो अपने प्रोजेक्ट को फ्लोर पर लेकर के आता है उसमें काफ़ी अंतर होता है। जिस दिन वो लॉन्च करता है वो कहता है कि वो अपने ग्राहकों को ये सारी सुविधाएं देगा, लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है तो ज़्यादातर, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ या किसी एक दो डेवलपर या बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर बिल्डर ये
हैं प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते, बहाना चाहे कीमत का हो चाहे सरकारी तानाशाही का। क्या लगता है, क्या ये दोनों चीजें काम करती हैं इस पूरे मामले में? देखिए, ये सोसाइटी है, सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, सब उनके अपने अलग वैल्यू सिस्टम है, अपने हिसाब से चीज़ों को वैल्यू करते हैं। लेकिन हम अपनी अगर बात करें तो हमने इससे पहले एक स्टूडियो अपार्टमेंट्स डिलीवर करे हैं ग्रेटर नोएडा में। हमने जो कमिट किया था उससे ज़्यादा उन लोगों को दिया, लॉटीज को दिया, और उन्हें एक लेटर लिखा कि हमने ये फैसिलिटीज आपको ज़्यादा दे दी हैं और इसके लिए हम कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं। दिस इज वन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में भी बड़ी अच्छी इंटेंशन से हमने मिस्टर कपिल देव हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको साथ लिया है और उनकी भी एडवाइस टाइम फ्रेम हमने साथ में ले रहे हैं। एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर बना रहे हैं और मिस्टर कपिल देव की एडवाइस के हिसाब से उस तरफ चल रहे हैं। सनी साहब, ये तो एक बात हुई प्रोजेक्ट की। एक दूसरा एक जो बड़ा पहलू जो इस पूरे मामले में निकल के आता है, अगर हम रियलिटी सेक्टर की अगर बात करते हैं कि जिस दिन प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है उस दिन कीमत कुछ और होती है, लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है तो मार्केट की, चाहे वो इन्फ्लेशन की बात हो चाहे मार्केट के उतार या चढ़ाव की बात हो, उसका सारा वजन लगभग ग्राहक पर पड़ता है। देखिए, हमारे केस में जैसे मैंने पहले आपको बताया स्टूडियो अपार्टमेंट्स हमने दिए थे, उसमें कोई एस्केलेशन नहीं किया, जिस रेट पर हमने फिक्स किया था उसी रेट पर हमने दिए। इस नए प्रोजेक्ट में भी हमने बिल्कुल ये फिक्स करके बुलवाया है और जीरो एस्केलेशन क्लॉज साथ में डाला हुआ है, इसमें कोई एस्केलेशन नहीं होगा। जिस प्राइस पर हमने जिस भी अलॉटी को दिया है हम उसी पर देंगे। जो फ्लैट्स हमने 2000 रुपीस में बुक किए थे, हमने कोई भी एक भी फ्लैट उसमें कैंसिल नहीं किया। विपिन जी, अब मैं आपसे दो तीन सवाल और थोड़ा सा जल्दी अगर आप उसका आंसर देंगे, मैं इस हिसाब से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसके USP क्या है? क्वालिटी ऑफ मटीरियल विच हैज बीन यूज्ड, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विच यू आर गोइंग टू गिव, दिस 22% ग्राउंड कवरेज विच आई जस्ट हैव टोल्ड यू, और इसके बाद में हमारा सुपर एरिया कारपेट एरिया के बीच में जो गैप होता है जनरली वो बहुत ज्यादा लोग कर देते हैं, उस तरह से हमने कुछ इन्फ्लेशन नहीं किया हुआ है। रियलिटी अनसर्टिनिटी का सेक्टर है, आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर पैसा क्यों लगाए? देखिए, ये तो फेथ की बात है, और किसी भी ट्रेड में जब तक कस्टमर का फेथ नहीं होता सप्लायर पर तब तक वो नहीं करता। वो हमारे प्रोजेक्ट को आकर देखे, हमसे मिले, हम सबसे मिलते हैं, हमारे बिल्कुल ओपन डोर ऑफिस है जिसमें कभी कोई आ सकता है और हमसे जब भी आके मिले अगर उसका फेथ बनता है जरूर हमारे पास लगाए। मुझे लगता है अगर कोई भी आके हमसे बात करेगा, मिलेगा, हमारे प्रोजेक्ट को देखेगा तो जरूर इन्वेस्ट करेगा। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ इस फटाफट वाले दौर में कि अगर एक निवेशक अगर आपसे शिकायत हो तो वो अपनी शिकायत लेकर के कहाँ आए? सबसे पहले हमारे पास आए। वैसे मैं एक और चीज़ बताऊँ, हमारे यहाँ मैंने जो आपसे बात करी अभी तक हमने कोई कैंसिल किसी का फ्लैट नहीं किया है। वन, सेकेंडली हमारे साथ हमारी जीरो लिटिगेशन कंपनी है, हमारी कंपनी में कोई लिटिगेशन नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई किसी भी तरह का ये नहीं है कि भाई किसी ने हमारे से कोई शिकायत हो, पर फिर भी अगर कोई किसी की प्रॉब्लम हो हमारे पास आए हम इमीडिएटली उसको सॉल्व करते हैं। तो साधना न्यूज़ पर ये थे हमारे साथ विपिन साहनी जी, जो बता रहे थे कि उनकी कंपनी जीरो लिटिगेशन कंपनी है और उन्होंने किसी के भी प्रोजेक्ट अब तक कैंसिल नहीं किए। हालांकि रियलिटी का सेक्टर, ये बात बिल्कुल सही है कि अनसर्टिनिटी का सेक्टर है, लेकिन अगर निवेशक ध्यान से सोच समझ करके निवेश करेगा तो उसे कभी नुकसान नहीं होगा। रविंद्र कुमार गौतम, साधना न्यूज़। कार्यक्रम में फिलहाल समय हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी साधना न्यूज पर प्रॉपर्टी मंत्रा जारी रहेगा। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की लख लख बधाइयां। 17 नवंबर को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रुद्रपुर से धार्मिक दीवान साहिब का लाइव। ओ भाई साहब, ये देखिए हाल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर हर मान उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब दोगे? आज संडे है ना। आखिर कौन लेगा समाज का पुरसहा? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी लेगी तो उत्तर प्रदेश में करिश्मा होगा? सियासी हुक्मरानों
गवाह। आप तो बसपा में भी रह चुके हैं। बहुत थोड़े दिनों से, वो मेरे जीवन का सबसे काला दिन थे। हर बात पर हिम्मत से, क्योंकि नहीं है हम खाए। आजम खान जी खुद भी कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। बाहर लौट आएंगे बना दो बात मुझको। देखिए मेरे साथ क्रॉस क्रॉस फायर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। नोएडा के गांव में रहने वालों को भी अब एड्रेस मिलने जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी इसके लिए सर्वे करवाने जा रही है ताकि गांव में हाउस नंबर, गली नंबर और वार्ड नंबर निर्धारित किए जा सके। इसके लिए 20 नवंबर को होने जा रही बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव लाया जा रहा है। बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही इस पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली से सटे नोएडा गांवों में रहने वालों के लिए आने वाला साल खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। नोएडा के गांवों को अब एड्रेस मिलने जा रहा है, जिसके बाद गांव की प्रॉपर्टी पर बैंक से लोन मिलने में आसानी होगी। इससे गांव की प्रॉपर्टी में भी बूम आने की संभावना है। नोएडा क्षेत्र में कुल 42 गाँव है। इन गाँवों में अब तक किसी भी घर का पता नहीं था। लंबे समय से गाँव में रहने वालों मांग कर रहे थे कि उनके घरों को नंबर अलॉट किए जाएं, लेकिन इस पर काम नहीं हो पा रहा था। नंबरिंग नहीं होने के चलते गांव में लेटर पहुंचने से लेकर घरों को खोजने तक में दिक्कत होती है। प्रॉपर्टी का एड्रेस नहीं होने के चलते बैंक लोन भी नहीं देते, इससे प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में भी दिक्कत आती है। साथ ही लोन नहीं होने के चलते प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम रहती है। इस संबंध में 20 नवंबर को बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव रखा जा रहा है। प्रस्ताव पास होते ही गाँव की आबादी का सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। सर्वे करके हाउस नंबर, गली नंबर और बोर्ड नंबर चिन्हित किए जाएंगे। एक गांव से पायलट प्रोजेक्ट नंबरिंग के लिए पहले एक गांव को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया जाएगा। इस दौरान सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। उसके आधार पर फिर सभी गांवों में सर्वे कराए जाएंगे। क्या होंगे फायदे? गलियों में सूचना बोर्ड लगने से लोगों को घर खोजने में सुविधा होगी। गाँव में बने मकान के पते सेक्टर में बने फ्लैट नंबर की तरह होंगे। प्रॉपर्टी को सरकारी रिकॉर्ड में दिखाकर आसानी से लोन हासिल किया जाएगा। गांव में वारदात होने पर पुलिस आसानी से घटनास्थल पर पहुंच सकेगी। हादसा होने पर बचाव दल आसानी से मौके पर पहुंच सकेंगे। बहरहाल अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ आने वाले समय में गांव की सूरत बदलेगी, बल्कि गांव भी शहर की तरह तरक्की की राह पकड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। प्रॉपर्टी मंत्रालय से अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर फोन भी कर सकते हैं। हमारा पता फटाफट नोट कर लीजिए। हमारा पता आप नोट कर सकते हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो कार्यक्रम में फिलहाल समय हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी साधना न्यूज पर जारी रहेगा आपका अपना प्रॉपर्टी मंत्रालय। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। आज संडे है ना। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की लख लख बधाइयां। 17 नवंबर को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रुद्रपुर से धार्मिक दीवान साहिब का लाइव। साधना न्यूज पर। आखिर कौन लेगा समाज का पुरसहारा? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी लेगी तो उत्तर प्रदेश में करिश्मा होगा? सियासी हुक्मरानों से झूठे तीखे तल्ख सवाल। आप तो बसपा में भी रह चुके हैं। बहुत थोड़े दिनों से, वो मेरे जीवन का सबसे काला दिन थे। हर बार पर बार हिम्मत से, क्योंकि नहीं है हम खाए। आजम खान जी खुद भी कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। बाहर लौट आएंगे बना दो बात मुझको। देखिए मेरे साथ क्रॉस क्रॉस फायर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उत्तराखंड के दिल की। उत्तराखंड का दिल देहरादून एक और जहां पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, वहीं अब यहां निवेश की भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। जीटीएम ग्रुप के एमडी तुषार कुमार का कहना है कि जीटीएम कम निवेश में लोगों के घर का सपना यहां पर पूरा करेगा। और साधना न्यूज पर आज हमारे साथ हैं जीटीएम ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर तुषार कुमार। तुषार कुमार जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और इस खास प्रोग्राम में भी। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि जीटीएम के आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? अभी रिसेंटली हमने सहस्त्रधारा रोड देहरादून में लगभग उत्तरांचल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, 500-550 फ्लैट का प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है। हरभजन सिंह जो क्रिकेटर है और राहुल देव, उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। फिलहाल हम वो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो हम लॉन्च कर चुके हैं। इसके अलावा आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर, श्री श्री रविशंकर जी के साथ मिलकर भी हम एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। इसमें आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर बना रहे हैं हम नैनीताल में और ब्लेस फ्लोर के नाम से वहाँ अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। तुषार कुमार जी, आपके प्रोजेक्ट में, क्योंकि काफी नाम है आपके प्रोजेक्ट का, पूरे उत्तराखंड में आपको बेस्ट बिल्डर का भी अवार्ड मिला है, तो आपके प्रोजेक्ट में ऐसा खास है कि विशेषक जो है अपने घर का सपना आपके प्रोजेक्ट में अपना पूरे जीवन भर की कमाई लगा कर देखे? देखिए, क्या खास है ये तो आप लोग भी जाइए और टाइम पे जाए देखें क्या खास है। देखिए, तो क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हमारी क्वालिटी बेस्ट होती है और रहेगी। इसके अलावा जो फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या करते हैं वो बेस्ट देते हैं। जैसे अभी जो नया प्रोजेक्ट कैपिटल हमने लॉन्च किया, पहला ग्रीन बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट है उत्तराखंड का। ये पहली बार है कि उत्तराखंड में कोई डेवलपर ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। ये बड़ा आम बात हो सकती है नोएडा के लिए, गुड़गांव के लिए, पर उत्तराखंड के लिए पहली बार। जो प्रोजेक्ट हमने अभी तैयार किया है, आप देख सकते हैं कि सारी पेवर रोड्स हमने बनाई हैं, बजाज की सारी लाइटिंग करी है, गोल्फ कार्ट्स हैं, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ देने की हम कोशिश करते हैं और देते रहेंगे। तुषार कुमार जी, अक्सर ये बात होती है कि जो नए जो बिल्डर हैं या जो डेवलपर हैं, जितने भी देश भर के जो डेवलपर हैं, वो कमिटमेंट तो बहुत बड़े कर देते हैं जब शुरुआती दौर में, लेकिन जब उसे हैंडओवर करने की बात आती है, खासतौर पर उस आदमी को जिसने अपने पूरे जीवन भर की कमाई एक प्रोजेक्ट में लगाई हुई है, जब उसे हैंडओवर करने की बात आती है, तो कभी डेवलपर कीमतों की बात करने लगते हैं और कभी ये बात करने लगते हैं कि हम समय से अपना जो प्रोजेक्ट है वो इसलिए डिलीवर नहीं कर पाए क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, अगर आप डिले ऑफ प्रोजेक्ट की बात करें तो हाँ, मैं ये जरूर एग्री करूँगा कि प्रोजेक्ट डिले होते हैं और आगे भी हो सकते हैं प्रोजेक्ट डिले, कई लोगों के होते हैं, हो भी सकते हैं। उसका एक मेजर कारण जो समझना पड़ेगा वो ये है कि रियल इस्टेट बिल्डिंग कंपनीज मैनुअल बेस्ड काम पे निर्भर है, टोटल काम मैनुअल बेस्ड है। अगर लेबर ने आना है तो मैनुअल है, टाइल लगनी है मैनुअल है, स्ट्रक्चर बनना है मैनुअल है, और आजकल लेबर की जो समस्याएं हैं, लेबर की जो दिक्कतें हैं, एक मेजर कारण है। एस्केलेशन बहुत बड़ा कारण है, प्राइस बढ़ना ऑन सर्टन थिंग्स बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा कई बार डेवलपर को प्रॉब्लम आती है अप्रूवल्स में, सरकार से कोई अप्रूवल लेनी हो तो समस्या है, वेदर इट इज़ एनवायरमेंटल अप्रूवल, वेदर इट इज़ मैप अप्रूवल। तो एक डेवलपर, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं अपना भी नाम नहीं लेता, लेकिन हम डेवलपर के लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, चीज़ें एक साथ करके उन्हें कामयाब करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन जो करना चाहते हैं वो करते हैं। तुषार कुमार जी, मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि देहरादून में आपके कई प्रोजेक्ट हैं, काफ़ी कामयाब प्रोजेक्ट आपके हैं, इसके अलावा दिल्ली NCR में भी प्रोजेक्ट की बात चल रही है, ऐसे में निवेशक जो अपनी सारी जीवन भर की कमाई लगाना चाहता है, वो आखिर GTM में ही क्यों आए? GTM की USP क्या है? देखिए, GTM की USP, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि निवेशक आए, हमारे प्रोजेक्ट्स देखें और उसके बाद खुद कंपैरिजन करें कि GTM और बाकी डेवलपर्स में क्या अंतर है। की बात करी थी हम कमिटमेंट के पूरे, जो प्रोजेक्ट हमने हैंडओवर किया, जो कमिटमेंट करी, जो एग्रीमेंट में लिखा, जो स्पेसिफिकेशन देने का वादा किया, उससे ज़्यादा ही लगाया होगा, उससे कम नहीं लगाया होगा, ये मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ। और स्पेसिफिकेशन बेस्ट से बेस्ट, प्रोजेक्ट बेस्ट से बेस्ट, लोकेशन बेस्ट से बेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको जीते मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ
अक्सर ये बात उठती है कि जो रियलिटी का जो सेक्टर है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हालांकि सरकार इस पर पूरी नज़र बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक ये ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं माना जाता, जिसकी वजह से जो डेवलपर हैं या जिन्हें बिल्डर्स कहे जाएं वो अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये वाकई जो सेक्टर है ये अनसर्टिनिटी का सेक्टर होता जा रहा है? देखिए, मैं आपकी बात को एग्री नहीं करता हूँ। ट्रेड में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आप ही के न्यूज़ चैनल में बहुत अच्छे लोग भी हैं, कम अच्छे भी हैं। वैसे ही रियल इस्टेट में भी हो सकता है कुछ अच्छे लोग हों, कुछ खराब लोग हों, लेकिन जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपना नाम बनाना चाहते हैं, वो अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं। समस्याएं आती हैं, हर जगह आती हैं, क्योंकि ये रियल इस्टेट है, इसमें ज़मीन से लेकर कंस्ट्रक्शन तक, जैसे मैंने कहा, हर चीज़ मैनुअल है। ज़मीन खरीदनी है तो किसान से खरीदनी है या सरकार से लेनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है तो टोटल मैनुअल है, और लेबर जो है वो अनस्किल्ड लेबर है। हमारे यहाँ लेबर की कोई पढ़ाई नहीं होती। आप लोगों ने भी कभी अपने घर में पेंट कराया होगा, पॉलिश कराई होगी, तो मैं विश्वास से ये कह सकता हूँ कि आपने इस परेशानी को देखा होगा। सिर्फ अगर आपने एक अपने कमरे में भी पेंट कराया होगा तो आपने परेशानी देखी होगी लेबर की, कभी लेबर आ रही है, कभी नहीं आ रही है। हम तो हज़ारों घर एक साथ बना, थोड़ी बहुत समस्या है, ऐसा नहीं है। जो लोग ऑर्गेनाइज हैं वो उसी हिसाब से काम करते हैं, बाकी ट्रेड में सब तरह के लोग। तुषार कुमार जी, एक सवाल और मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि लगातार ये बात होती है कि जो कस्टमर है, जो निवेशक है, जो आम आदमी है, ये आम आदमी का ही सवाल ज़्यादा है कि उसमें आम आदमी जब उसे कोई समस्या होती है तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, या तो वो पुलिस के पास जाता है जहाँ तक वो कम ही पहुँच पाता है, या फिर वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। क्या लगता है आपको कि इस सेक्टर में आम निवेशक को समय पर न्याय मिले उसके लिए क्या होना चाहिए? अगर हम बात करें कंज्यूमर कोर्ट की, तो उसका बहुत जल्दी फैसले हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने के अंदर, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, फैसला होता है। और कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई इसलिए गई हैं कि वो कंज्यूमर का ध्यान रखें, कंज्यूमर के बारे में सोचें। मुझे नहीं लगता कि पहले की तरह बहुत ज़्यादा डिले है मैटर्स में, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जल्दी हो जाती हैं। तो ये थे हमारे साथ GTM ग्रुप के MD तुषार कुमार जी, जो बता रहे थे कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरे रियलिटी सेक्टर में। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर हैं, लेकिन उनसे पार पाया जा सकता है। रविंद्र कुमार गौतम, साधना न्यूज। फिलहाल प्रॉपर्टी मंत्रा में इतना ही, और मेरे साथ साथ पूरी प्रॉपर्टी मंत्रा की टीम को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर एक नया मुद्दा लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आखिर कौन लेगा समाज का पुरसहारा? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको
भारतीय जनता पार्टी लेगी तो उत्तर प्रदेश में करिश्मा होगा। आपको बसपा में भी रह चुके बहुत बड़े दिन थे, वो मेरे जीवन का सबसे काला दिन थे। हर बार पर हिम्मत से, क्योंकि नहीं है हम खाए। आजम खान जी खुद भी कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। बाहर लौट आए जी, बना दो बात मुझको। देखिए मेरे साथ क्रॉस क्रॉस फायर, खबरों से न रहे दूर, घर हो या खबर, हरदम रहे अब ये कहीं भी कभी भी लॉगिन करें www.sarnanews.net। आखिर कौन लेगा समाज का पुरसहारा? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी लेगी तो उत्तर प्रदेश में करिश्मा होगा? सियासी हुक्मरानों से चुभते तीखे तलख सवाल। आप तो बसपा में भी रह चुके हैं। बहुत बड़े दिन थे, वो मेरे जीवन का सबसे काला दिन थे। हर बात पर हिम्मत से, क्योंकि नहीं है हम खाए। आजम खान जी खुद भी कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। बाहर लौट आएंगी, बना दो बापा मुझको। देखिए मेरे साथ क्रॉस क्रॉस फायर। आपने एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज, अगर आप भी चाहते हैं मीडिया की फील्ड में कुछ कर दिखाना, करना चाहते हैं कुछ अलग हटकर, तो ज्वाइन साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज और ग्रूम करें अपनी क्वालिटी को। All the students of Sadhana Academy, there is no shortcut to hard work, so if you work hard now, you can reap the benefits later. UGC recognized degree courses, Bachelor's of Mass Communication, Master's of Mass Communication, Postgraduate Diploma in Mass Communication, Diploma and Certificate Courses, Video Editing and Sound Recording, Camera and Lighting Techniques, TV Production and Direction. कैसा है आपका स्वास्थ्य? किस तरह बदल रही है आपकी जीवन शैली? गंभीर बीमारियों से कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? क्या है इलाज और समाधान? देखिए आरोग्य प्रतिदिन दोपहर 12:30 और रात 10:00 विश्वविख्यात वैद्य दीपक कुमार के साथ। खबरों से न रहे दूर, घर हो या खबर, हरदम रहे अब ये कहीं भी कभी भी लॉगिन करें www.sarnanews.net। आखिर कौन लेगा समाज का पुरसहारा? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी लेगी तो उत्तर प्रदेश में करिश्मा होगा? सियासी हुक्मरानों से चुभते तीखे तलख सवाल। आप तो बसपा में भी रह चुके हैं। बहुत बड़े दिन थे, वो मेरे जीवन का सबसे काला दिन थे। हर बात पर हिम्मत से, क्योंकि नहीं है हम खाए। आजम खान जी खुद भी कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। बाहर लौट आएंगी, बना दो बापा मुझको। देखिए मेरे साथ क्रॉस क्रॉस फायर। कैसा है आपका स्वास्थ्य? किस तरह बदल रही है आपकी जीवन शैली? गंभीर बीमारियों से कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? क्या है इलाज और समाधान? देखिए आरोग्य प्रतिदिन दोपहर 12:30 और रात 10:00 विश्वविख्यात वैद्य दीपक कुमार के साथ। हेडलाइंस के संयोजक हैं हूं मैं रजनीकंथा, दिल में है दुनिया और पल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं घर अरमान उम्मीदों और सपनों का बना होता है। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होंगे सचिन। पीएमओ ने की आधिकारिक पुष्टि, 26 जनवरी को मिलेगा देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान, पहले खिलाड़ी होंगे सचिन। मुंबई टेस्ट मैच में भारत की धमाकेदार जीत, वेस्ट इंडीज को एक बारी और 126 रनों से हराया, प्रज्ञान ओझा को मिला मैन ऑफ द मैच। यूपी में राज्य कर्मियों के बाद